हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके लाइव एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड, मैं आपका दोस्त करण काफ़ी दिनों बाद आया हूँ फिर से एक बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नए क्रिएटर्स हैं, जैसे मेरी तरह जो क्रिएटर्स हैं, उनके ना तो फॉलोअर्स फेसबुक पर होते हैं, ना इंस्टाग्राम पर, ना ही आपके यूट्यूब पर। तो हम लोग करते हैं ना कि अपने फॉलोअर्स को कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से। जो फॉलोअर्स, जितने भी फॉलोअर्स हैं हमारे पास, वो मेरे सोशल मीडिया पर भी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि अपने यूट्यूब में सोशल मीडिया के लिंक्स को कैसे ऐड करें, ताकि जो भी व्यूअर्स जो हमारे यूट्यूब पर आते हैं, वो हमारे सोशल मीडिया को भी प्रोफाइल, मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी आसानी से जाएं और मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें। तो गाइज, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको मैं सिखा दूंगा कि अपने यूट्यूब के, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को अपने यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करें। तो गाइज, बिना लेट किए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। और सबसे पहले हमेशा की तरह YouTube स्टूडियो में लॉगिन कर लेता हूँ, जो कि मैं क्रोम से करता हूँ। गाइज, आप लोग जो वीडियो वेरिफिकेशन में बहुत लोग कर रहे थे ना, कि आप लोग वीडियो वेरिफिकेशन YouTube के सेक्शन से जाके और वहाँ से कर रहे थे, वहाँ से एक्चुअली, मैं जब मैंने भी किया तो मुझे भी बारकोड का सीन आ रहा था, लेकिन टिप्स बताया है आप वहाँ से जाके करोगे। जैसे मैं क्रोम पे किया था, क्रोम बीटा एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया था, सेम वैसे ही आपको मैं एक और वीडियो, जो सेकंड वीडियो था हमारा, जो क्रोम देव करके था, उस वीडियो में भी मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल, वीडियो वेरिफिकेशन, तो आसानी से हो जाएगी, किसी भी बारकोड का कोई झंझट नहीं रहेगा, बारकोड इंस्टॉल करने की टेंशन रहेगी अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो में लॉगिन कर लिया हूँ, और स्टूडियो में लॉगिन करने के बाद मैं अपना सेटिंग में, पहले आप यहाँ पे ब्यूटी प्लस का जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करोगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आएगा। गाइज, डिस्क्रिप्शन तक तो हम लोगों ने सीख लिया था, नेम अपना, जो भी अपने अपने जो चैनल का नाम है उसको मेंशन करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। वैसे आप नीचे देखोगे ना गाइज, तो लिंक्स का ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर लिंक्स में आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ऐड प्लस लिंक में कर देना है। जैसे मैंने फेसबुक का जब मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दिया फेसबुक, और उसके बाद अपना फेसबुक का URL को कॉपी किया और वहाँ पर डाल दिया। मैं अगेन फिर से मैं इंस्टाग्राम का लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक को फिर अपने इंस्टाग्राम ID में जाना है, वहाँ से अपने प्रोफाइल का, जो भी प्रोफाइल है, प्रोफाइल का लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइस, यहाँ पर सेव कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करते ही ये सेव हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप में हमने फेसबुक को और इंस्टाग्राम ID के लिंक को यहाँ पर आसानी से डाल दिया है और सेव भी कर लिया है। तो गाइस, अब बिना लेट किए मैं अब इसको चेक करता हूँ। तो अपने यूट्यूब खोलता हूँ, अपने चैनल पर जाता हूँ। चैनल पर जाने के बाद अपने अबाउट सेक्शन को जाके चेक करता हूँ। गाइस, यहाँ पर आप देखोगे ना कि एक्चुअली में मैं इंस्टाग्राम लिखा था और फेसबुक के लिंक को ही इसमें पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके ये फेसबुक का सिंबल दे दिया है और इंस्टाग्राम लिख दिया है। तो गाइस, अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने प्रोफाइल पे चला जाऊँगा यहाँ से आसानी से। एक्चुअली क्रोम पे मुझे लॉगिन नहीं किया हूँ, तो मुझे क्रोम पे लॉगिन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ये डायरेक्ट आपको आपके प्रोफाइल पर लेके चला जाए। तो गाइस, ये सिंपल स्टेप था जहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को यूट्यूब के लिंक्स में YouTube से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि जो भी व्यूअर्स आपके प्रोफाइल, आपके YouTube पर आते हैं, वो आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल को भी चेक करेंगे, वहाँ से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत रहती है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, आज का यही वीडियो था कि अपने सोशल मीडिया को अपने यूट्यूब से कनेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करोगे आपका फ़ायदा होगा, मोनेटाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ग्रेट सपोर्ट।